मध्य प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी के लिए आपका निश्चितकालीन अनशन 26 मई से भोपाल में। आम आदमी पार्टी प्रदेश के किसानों की समस्या को लेकर भोपाल में 26 मई से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठेगी। अनशन की अगुवाई आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आलोक अग्रवाल करेंगे। आम आदमी पार्टी चाहती है, हम सब पर किसानों का कर्ज है, अगर सरकार किसानों को कर्ज माफ कर दे तो यह कर्ज उतारा जा सकता है। प्रदेश के किसानों पर 40,000 करोड़ का कर्ज है, जबकि प्रदेश का बजट 2,00,000 करोड़ का है, जबकि भ्रष्टाचार की लूट 60,000 करोड़ की है। सरकार एक साल भ्रष्टाचार रोक किसानों की कर्ज माफी बगैर अतिरिक्त रकम खर्च किए कर सकती है। ये पूरे रीवा शहर में, गांव-गांव में, पूरे रीवा में घूमेगी यात्रा है, किसान बचाओ यात्रा, जो 26 तारीख से माननीय प्रदेश संयोजक आलोक अग्रवाल जी भोपाल में अनशन में बैठ रहे हैं। बिजली के बिल आधे करो, किसानों की कर्ज माफ़ी और युवाओं के रोजगार गारंटी कानून को लेकर, मांग को लेकर अनशन में बैठ रहे हैं। उनके संदेश को हम पूरे जन जन तक पहुंचाएंगे। आज रीवा से बड़ी संख्या में लोग भोपाल जाएंगे और उनके इस संदेश को कि वो अपनी इस भीषण गर्मी में अपने जीवन दांव पे लगाकर भोजन त्याग करके बैठेंगे, ताकि हम लोगों को हमारा भविष्य सुरक्षित हो सके, हमारे युवाओं को रोजगार मिल सके, किसानों की कर्ज माफ़ी हो सके, इसके लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। तो हम सब ये संदेश पूरे रीवा के लोगों को देंगे और बड़ी संख्या में रीवा के लोग भोपाल जाएंगे। क्या नाम है?